कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 222 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई। सुबह से पोलिंग बूथों पर मतदान के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। 224 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 2 सीटों पर मतदान स्थगित किया गया था। कर्नाटक में 4,98,00,000 से अधिक मतदाता हैं, जो 2600 से अधिक उम्मीदवारों के बीच से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इन मतदाताओं में 2,52,00,000 से अधिक पुरुष और करीब 2,44,00,000 महिलाएं और 4,552 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। कर्नाटक में चुनाव 5 बजे तक लगभग 64% मतदान हुआ। हुबली समेत कई इलाकों में बारिश की वजह से मतदान प्रभावित रहा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाल ने कहा कि उनकी पार्टी कर्नाटक में 130 से ज्यादा सीटें जीतेगी। हम्पी नगर में एक मतदान केंद्र के बाहर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। हम्पी नगर में बीजेपी नेता पर हुए हमले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे। इसी दौरान वहां हंगामा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अपने वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में बाहर आने का आग्रह किया। आज हुए मतदान प्रक्रिया के बाद 15 तारीख को मतगणना होगी, तभी सामने आ पाएगा कि कर्नाटक में किसके सर पर होगा ताज। भाजपा खिलाएगी कमल या कांग्रेस का होगा हाथ मजबूत।